पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो सीए फाइनल में आए हैं और जो इंटर में आए और जो अभी सीए जिन्होंने शुरुआत करने जा रहे हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने बारे में बताऊं तो मेरा पारस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं पारस में 12th क्लास से ही हूँ यहाँ पे। अगर मैं अपनी मार्क्स का बताऊँ तो आई एफ सिक्योर्ड 33 रैंक इन सीए फाउंडेशन। मैंने बोर्ड ग्रुप तो ऑफ नहीं करा था, पर बताना चाहूंगा नवंबर 19 में आई गॉट 302 मार्क्स इन ग्रुप वन एग्जामिनेशन विद हाईएस्ट मार्क्स 91 इन अकाउंटेंसी एंड 81 इन डायरेक्ट टैक्सेशन। जैसे हमारी ग्रुप टू क्लास 18th मार्च को हमारी लास्ट क्लास लगी थी, सर ने हमें सुबह 5 बजे बुलाया था क्योंकि अनाउंस हो गया था सब कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं, लीज का सर को एक एस कराना था। तो उसके बाद हमारा देखो पेपर जैसे मई में पोस्टपोन हुए, फिर हमें एक थोड़ा डिप्रेस भी हो गया कि अब हम अटेम्प्ट लेट होते जा रहे हैं, फिर जुलाई में भी हमारे पेपर पोस्टपोन हो गए। तो फिर इस दौरान मैंने अपनी आर्टिकलशिप भी शुरू कर ली। जब हमें पता चला कि अब नवंबर में फाइनल एग्जाम हो रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगा पारस के नोट्स बहुत अच्छे हैं जो सुरेंद्र सर लिखवाते हैं और गौरव सर करवाते हैं। जब जैसे हमारा 3 मंथ्स हम बिल्कुल हमने स्टडी नहीं करी थी क्योंकि पेपर हो ही नहीं रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैं अपना बताना चाहूँगा, मेरी आर्टिकलशिप भी चल रही थी, फिर मुझे ITT OC भी करनी थी और स्टडीज भी करनी थी क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं। तो मैंने किसी टीचर्स के ना लेक्चर्स देखे ना लिए, सिर्फ पारस से कोऑर्डिनेट करा, अपनी नोट्स उठाए सब सब्जेक्ट्स के, गौरव सर के और सुरेंद्र सर के। मैंने सुरेंद्र सर को स्पेशली फ़ोन करके पेपर से 2 दिन पहले भी बोला था कि सर आपके नोट्स कमाल है, सब याद आ गया बिल्कुल, खोले कुछ भी नहीं करना पड़ा। और जो ये टेस्ट सीरीज लेते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी रहती है, इन्होंने हमारे जुलाई में भी UDFT लिए और अक्टूबर में भी हमारे बहुत हेल्प करी है।